ऐसा पुल बनेगा, ये बिहार मॉडल है। भारी भ्रष्टाचार हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिहार सरकार का बहुत फेवरेट लड़ुआ कहते बिहार में कॉन्ट्रैक्टर, उसके खिलाफ कितनी भी शिकायत हो जाए कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ 900 करोड़ में तो पार्लियामेंट बनी जो दुनिया में डंका बज रहा है, और 1700 करोड़ में वहाँ पुल गिर गया और उसका स्ट्रक्चर तक इन लोगों को अब लग रहा है कि ठीक नहीं था, कौन जिम्मेदारी लेगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन जी हमारे साथ हैं। शहनवाज जी, 1750 करोड़ रुपए का पुल देखते देखते बस एक झटके में जल समाधि ले लिया, तो ये पुल बन रहा था इसमें पहले से भ्रष्टाचार था। आपने पहले बताया कि एक बार भी इसके जो लोहे का स्ट्रक्चर था वो उड़ा था, ये सब कुछ जानते हुए भी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और 1750 करोड़ रुपए डूब गए। देखिए, बिहार सरकार कहती है बिहार गरीब राज्य है, और 1750 करोड़ का पुल ध्वस्त हो जाता है और बिहार सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। आखिर जब ये पुल बन रहा था सुल्तानगंज से खगड़िया तक, तो प्रवक्ता के जेडीयू के विधायक ने पिछले सेशन में, संजीव सिंह हैं, उन्होंने इस विषय को उठाया कि इस पुल में क्रैक है, पाया में क्रैक आ गया है, कार्रवाई कीजिए, इसमें भ्रष्टाचार की तरफ पूरा इशारा किया उन्होंने। लेकिन बिहार सरकार ने कहा हम इसकी जांच कराएंगे। तो जब लोहे का पुल उड़ गया था, यानी पाए के बीच में जो लोहा फिक्स होता है वो हवा में उड़ गया, आप समझिए, ये लगता है कि सीमेंट और लोहे का पुल नहीं, कागज का पुल बना रही बिहार। और उसमें एक व्यक्ति जो देहांत भी हुआ, जो वर्कर है, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा। आखिर कभी देखा है बिहार में, कहा जाता है बिहार मॉडल, जो बिहार सोचता है वो बाद में देश सोचता है। ऐसा पुल बनेगा, ये बिहार मॉडल है कि इसका अगर सावन के महीने में ये पुल चालू हो जाता तब गिरता तो कितनी बड़ी संख्या में लोग हताहत होते, क्योंकि वहीं से अजगैबीनाथ मंदिर से पानी लेकर, जल लेकर लोग जलाभिषेक के लिए देवघर जाते हैं। और ये भारी भ्रष्टाचार हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिहार सरकार का बहुत फेवरेट दुलड़ुआ कहते बिहार में कॉन्ट्रैक्टर है, उसके खिलाफ कितनी भी शिकायत हो जाए कोई कार्रवाई नहीं होती। और अब बिहार सरकार कह रही है इसके डिजाइन में प्रॉब्लम है, तो आप पुल बनाएंगे और डिजाइन भी नहीं पता होगा आपको किस तरह की सरकार चल रही है। जो पुल गिरा है उस पर तो कार्रवाई कॉन्ट्रैक्टर पर होनी चाहिए, जिम्मेदारी बिहार सरकार को लेनी चाहिए। और दूसरा, इस कॉन्ट्रैक्टर ने जितने पुल बनाए, बड़ा हादसा न हो उसकी जांच तुरंत करना चाहिए, और जब बड़ी टेक्निकल टीम जांच कर ले तभी एनओसी देना चाहिए चलने के लिए, क्योंकि इसने बहुत सारे पुल बनाए। लेकिन शर्मा जी, इतना बड़ा पुल गिर गया, वो पानी के अंदर समा गया, लेकिन मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग तो इसको गिराने वाले थे। अच्छा, तो फिर बनाने वाले क्यों थे? 16 में जब ये पुल सेंक्शन हुआ तब भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तो तेजस्वी यादव ही थे, तो स्ट्रक्चर क्यों गलत बना, कौन जिम्मेदारी लेगा? इस 1700 करोड़ कहाँ आएंगे? यहाँ 900 करोड़ में तो पार्लियामेंट बनी जो दुनिया में डंका बज रहा है, और 1700 करोड़ में वहां पुल गिर गया और उसका स्ट्रक्चर तक इन लोगों को अब लग रहा है कि ठीक नहीं था, कौन जिम्मेदारी लेगा। सर, एक आखिरी सवाल, ऑपोजिशन की बड़ी बैठक होने वाली थी पटना में, वो मीटिंग टल गई है, राहुल गांधी विदेश से कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पूरी तरीके से यूनाइट है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जनता सबक सिखाएगी, ऑपोजिशन की नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। देखिए, बिहार में जो ऑपोजिशन की बैठक का डंका बजाया जा रहा था वो शांत हो गया है। 12 तारीख को जो इकट्ठा होने वाले लोग थे वो अब ये बैठक टल गई है, क्योंकि एक अनार है 100 बीमार है, सबने मुंगेरी लाल के सपने देखे हुए हैं, लेकिन किसी का सपना पूरा होना नहीं, सब ख्वाब अधूरे रहेंगे। 2024 में नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन ये सही है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पटना में ये बैठक टली नहीं है बल्कि परमानेंटली टल गई है, कोई बैठक नहीं होने वाली है।